उत्तराखंड सरकार जोर शोर से चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटी है, मगर उत्तरी हरिद्वार में निर्माणधीन हाईवे इस बार भी चार धाम यात्रा में परेशानी खड़ी कर सकता है। सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे के निर्माणधीन कार्यों का निरीक्षण किया और NHAI के अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। चार धाम यात्रा में इस बार निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अतिक्रमण ट्रैफिक के लिए बड़ी बाधा बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, SSP अजय सिंह, SDM PL शाह और SDM पूरण सिंह राणा समेत कई विभागों के अधिकारियों ने यात्रा वाली मुख्य सड़क का निरीक्षण किया। DM विनय शंकर पांडे ने बताया कि चार धाम यात्रा शुरू होने के पहले ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हाईवे पर बनने वाला फ्लाईओवर तो यात्रा शुरू होने के पहले तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे वाहनों का रूट बदलकर उन्हें चीला मार्ग से ऋषिकेश भेजा जाएगा। हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHAI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव मॉर्थ भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन हो जाएगा क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफ़ी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं पर पुलिया को चौड़ीकरण होना है वो भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे पिलर्स खड़े हो गए हैं, स्लैब पड़ गई है, उसको पार्किंग के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक निर्णय और लिया गया है कि जो लाइट व्हीकल है जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।